तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तबरेज। आप देख रहे हैं तबरेज है यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक वाटर हीटर बनाने वाला हूँ। इस वाटर हीटर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था मैंने कैसे बनाया। तो मैं दोबारा इसको आपको सही से समझाने वाला हूँ। मैंने उसमें वीडियो में बोल कर नहीं बताया था, उसमें केवल म्यूज़िक यूज़ किया था। तो आज मैं आपको बोल कर बताने वाला हूँ कि वाटर हीटर कैसे बनाते हैं। तो इस वाटर हीटर को बनाने के लिए हमें चाहिए 1000 वाट की हीटर कॉयल। ये 15 रुपए की आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो इस तरीके की ये होती है, आप देख सकते हैं। यह हमें ले लेना है। और दूसरी चीज़ जो चाहिए वो चाहिए 1 mm का कॉपर वायर। जितनी आपकी बोर्ड की और आपके पानी की बाल्टी की लंबाई है उस हिसाब से ले लें। प्लग ले लेना है एक सिंपल 5 रुपए वाला। और ये होता है एल्यूमिनियम वायर। ये वाइट कलर की कोटिंग में आता है, इस तरीके से होता है। इस तरह मोड़ देते हैं तो वहीं मुड़ा रह जाता है, इतना जिस एंगल पर मोड़ देते हैं उतना ही रह जाता है। इस तरीके का वायर आता है, ये आपको मिल जाएगा 5 रुपए में, मिल जाएगा आधा मीटर। ये तौल के भाव मिलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा चाहिए तो मिल जाएगा आपको 5 रुपए में। यह वो एल्यूमिनियम वायर इतना लेना है जितनी अपनी स्प्रिंग है, उसे थोड़ा सा बड़ा लेना है। ये देख सकते हैं आप एल्यूमिनियम वायर में ये जो स्प्रिंग है हीटर की, हीटर कॉयल, इसको डाल देते हैं। इतना हिस्सा दोनों तरफ से खाली छोड़ देंगे और इस तरीके से इसे गोल गोल मोड़ देंगे। दोनों जो हीटर अपना जो जिसमें स्प्रिंग डाली है वायर में, दोनों तरफ उसे इस तरीके से मोड़ देंगे। इस साइड से भी इसी तरह से मोड़ देते हैं। आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, ये देख सकते हैं आप। और ये एक पाइप, कोई भी गोल चीज़ आपको लेना है सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरीके से आपको उसमें लपेट कर इसमें इस तरीके से घुमा देना है। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इस तरीके से हमें घुमा देना है। तो ये इस तरीके का शेप ले लेगा बिल्कुल हीटर की तरह, ये देख सकते हैं। ये वाटर हीटर मैंने बना चुका हूँ एक बार वीडियो में, तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं बोलकर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाना है। और ये देखिए मैंने वायर छील लिया है, कॉपर वायर, इस तरीके से इसमें डाल लेना है, इसमें एक गांठ बांध लेना है। जबकि जब हम इस हीटर को खिंचाव पड़े कभी भी इसमें लटका रहे तो ये वायर टूटे ना, इस तरीके से गांठ बांध लेना है। और इसमें जो हीटर की स्प्रिंग है दोनों साइड इसमें लगा देना है, उस तरफ से भी इसी तरह के प्रोसेस करेंगे अपन। लगा दिया है और इसमें हमें टेप लगा देना है यहाँ पर, या आप गांठ भी बांध सकते हैं। मैंने इसमें टेप लगा दी है इस तरीके से, ये देख सकती है। और इसको गोल गोल लपेट देना है, जैसे वायर आप मार्केट में देखते हैं लपटे हुए आते हैं, उसमें प्लग लगा लेना। प्लग आप कोई सा भी लगा सकते हैं, इसमें ये चल जाता है, बढ़िया चलता है। 5 रुपये का जो सिंपल प्लग है वही लगाना है। ये हीटर अपना बनकर तैयार हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे प्लास्टिक की बाल्टी में यूज़ करना है, लोहे की बाल्टी में यूज़ नहीं करना। ये करंट मारता है, बच्चों की पहुंच से आपको बिल्कुल दूर रखना है इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूं उसका एक डेमो, कितनी फास्ट पानी गर्म करता है। ये देखिए 20.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का। और मैं इसमें एक स्टॉप वॉच लगा देता हूँ, देख सकते हैं आप कितनी टाइम में ये पानी को कितना गर्म करेगा। आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, देख सकते हैं। स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ, अब देख सकते हैं आप कितनी तेज स्पीड में ये पानी गर्म करेगा। देखिए 20 डिग्री से 33, 35, 36, देख सकते हैं 45 सेकेंड, 1 मिनट में ये 50 डिग्री टेम्परेचर ने अचीव कर लिया। ये जो डिब्बे में पानी है 1 लीटर पानी है। आगे वीडियो में आपको ये बताऊंगा ये कितनी बिजली खाता है, कितना कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बताऊंगा। देख सकते हैं पानी हल्का हल्का खोलने लगा है। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, 4 गुना स्पीड पर चल रहा है ये वीडियो। 73 पानी देखो लगभग खोलने लगा है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए लगभग 3.5 मिनट में इसने 90 डिग्री टेम्परेचर अचीव कर लिया है। पानी देखिए खोलने लगा है, ये देख सकते हैं आप।
3 मिनट में उसने पानी को बिल्कुल खौला कर रख दिया। तो आप गलती से भी पानी में हाथ मत डालें, क्योंकि पानी में करंट आता है। इससे ये देख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता, ये आपके 2 साल आराम से चल जाएगा वाटर हीटर, कि जब तक आपकी वायर नहीं टूटती। ये जो वाइट वाली वायर है ये तो ख़राब ही नहीं होती, इसके कई लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि वाइट वाली जो एल्युमिनियम वायर है ख़राब हो जाती है, ये कभी ख़राब नहीं होती। केवल आपकी हीटर स्प्रिंग है वो 1-2 साल में टूटने लगती है, तो फिर आप उसको बदल सकते हैं। ये देखिए 10 लीटर पानी की बाल्टी है, इसका 18 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसको भी हम चेक कर देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें भी कितना बढ़िया पानी है गर्म करता है, ये देख सकते हैं। और मैंने इसमें लगा दिया है, और पानी को आप ढककर गर्म करें तो दुगनी तेजी से पानी गर्म होता है। और आपको इससे बच्चों की पहुँच से दूर रखना है, बिल्कुल भी पहुँच से दूर रखना है। 20 मिनट बाद देखते हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छा पानी गर्म करता है ये वाटर हीटर। और ये 2-3 साल तक, 2-3 सीज़न आपके सर्दियों के आराम से निकाल देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको बना सकते हैं हीटर, तो ये देख सकते हैं आप, हीटर में किसी तरीके का डैमेज नहीं हुआ है। मैंने 2 बार पानी गर्म कर चुका हूँ, इसी तरह आप 2 साल तक इसे यूज कर सकते हैं। और ये पानी गर्म करने पर 1 घंटे में 5 से 6 रुपये बिजली खाता है, क्योंकि जब हम 1000 वाट का लोड 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, जिसकी कीमत 5 से 6 रुपये होती है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना।